ये आंटी, ये आप ही हो ना? उसी आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। कितने टाइम बाद मिली हो। की हालचाल? सब बढ़िया? ये क्या कर रही हैं आप? इस उम्र में इतना बोझ लेके मत घूमो, वरना इस दुनिया से तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। जानकी आंटी, कितना मिस किया मैंने आपको। या मेरे पत्थरों को जो मैंने तुझे उठा उठा के मारे थे, तेरा कचूमर बना दिया था। अरे भाई, भाई। गलत बात है वो, मैं इतनी स्वीटली बोल रहा हूँ कि मैंने आपको मिस किया और आप मुझे पत्थर याद दिला रही। पर एटीट्यूड तो देखो, कसम से क्या एटीट्यूड है। लव यू जानकी आंटी। लव यू ना अपने पास रख, मेरे पास तेरे जैसे लुच्चे के लिए टाइम नहीं है। हट परा। कहाँ जा रही हैं आप? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है जानकी आंटी। एक सच बात बताओ, अगर आप मेरी तरह जवान होती ना, मेरी तरह यंग होती ना, मैं आपसे शादी कर लेता। और मैं तेरा कत्ल करके जेल में चली जाती। फिर से गलत बात। वो जी मैंने किया क्या है बताइए? क्या किया मैंने? हमेशा मुझ पर गुस्सा करती रहती आप। चलिए मैं मानता हूं कि जब मेरी और प्रीता जी की शादी हो रही थी, उस वक्त आप मुझसे गुस्सा थी, आप मेरे खिलाफ हुई, जायज है। पर आज की डेट में मेरा और प्रीता जी का रास्ता अलग अलग है, फिर किस बात का गुस्सा, क्यों हो खफा खफा? वो पुरानी बातों पे मिट्टी पा दो ना, एक नई शुरुआत करते हैं, एक नया रिश्ता बनाते हैं। मुझसे दोस्ती करोगी? बकवास कर रहा है, तेरे जैसे लुची लफंगे से कोई दोस्ती करेगा? ये क्या बात हुई? फिर से गलत बात। मैं इतना स्वीटली आपसे बात कर रहा हूं और आप हो कि मेरे जितने भी राज है ना, शर्लिन बेबी के अलावा ऐसा कौन है जिसको मेरे सारे राज पता है? सिर्फ आप हो जिसको पता है। आपको मैं अपने सारे सीक्रेट्स बताता हूं और आप ऐसे बिहेव करती है मेरे साथ। बाकी सारी बातें भूल जाइए, मुझे बस एक बात बताइए आप, अगर मेरी जगह आपका बेटा होता जो प्रीता जी से बेइंतहा मोहब्बत करता होता, पागलों की तरह प्यार कर रहा होता और उसे प्रीता जी नहीं मिली होती, उसके साथ गलत हुआ होता, तो क्या आपका बेटा मेरी तरह पागल नहीं हो गया होता? जरा सोचिएगा। और अगर आपको जवाब मिल जाए ना जानकी आंटी, तो मुझे आशीर्वाद जरूर दे दीजिएगा।